भी इकोसिस्टम में कोई ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन क्या है, हैबिटेट रहने की जगह प्लस प्रोफेशन। जैसे कि आपके पापा कहाँ रहते हैं पता तो है, लेकिन काम क्या है आपके घर में, ये रहने की जगह होगी हैबिटेट। लेकिन एक प्रोफेशन है कि पापा जॉब करते हैं पैसा कमा रहे, मम्मी का एक प्रोफेशन कि चलिए भाई हाउसवाइफ है, डिनर बनाती है, खाना बनाने का काम है, आपका पढ़ाई करने का काम है, बड़े भाई है उसका एक अलग काम है, तो रहने का जगह तो एक ही है, लेकिन उनका प्रोफेशन क्या है, यानी कि फंक्शन, इकोलॉजिकल फंक्शन को ही हम लोग नीस कहते हैं। आगे बस समझ में, इकोलॉजिकल फंक्शन इज नोन एज नीस। चलो और बोलो फटाफट सभी लोग, छोटे छोटे पॉइंट्स सर एक बोलते बार जो आप। कॉलिस्ट्रम बता दो। कॉलिस्ट्रम कौन? कोलेस्ट्रम? ये जूलॉजी का है। सर अच्छा आप कोलेस्ट्रम, नहीं बताओ। अरे शायद यही होता होगा ना जो मदर मिल्क में, वही है कोलेस्ट्रम वाला, पता नहीं, जूलॉजी वाले सर से पूछ लेना, मेरा यहाँ पर टॉपिक तो नहीं। चलो बोलो इकोलॉजी में किसी को, और फटाफट इकोलॉजी में कहीं पास से पूछना, फटाफट बोलते जाओ, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स जो तुम्हें परेशान करते हैं, समझ में नहीं आते। बोलो सर जल्दी। सिंपल से एरिया रिलेशनशिप वाला कर्व। ठीक है कि जैसे जैसे आप देखो, जितना सिंपल भाषा में ये सीखो कि किसी जंगल में तुम गए हो और तुमने 1 मीटर स्क्वायर में एरिया को देखा, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में नंबर ऑफ बर्ड्स की कितने स्पीसीज है। मान लीजिए बर्ड्स की स्पीसीज है, बर्ड्स की स्पीसीज है वो मान लो बच्चा 5, 5 स्पीसीज अलग तरह के बर्ड्स के दिखे। अब तुमने एरिया थोड़ा बड़ा कर लिया, अब तुमने कर लिया 5 मीटर स्क्वायर, बड़ा एरिया ले लिया, तो स्पीसीज कितने नंबर में मिलेंगे, बर्ड्स की स्पीसीज कितने मिलेंगे, शायद 10 मिल जाएंगे। चलिए फिर तुमने और बड़ा एरिया ले लिया, ठीक है, और बड़ा एरिया ले लिया तो स्पीसीज तो और ज्यादा मिलेंगे, 20 मिलेंगे। चलिए अब धीरे धीरे एरिया बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे एरिया और तुमने बढ़ा दिया, पूरा एरिया और बढ़ा दिया, तो वही स्पीसीज बार बार रिपीट नहीं होगा क्या? पहले मान लो बर्ड्स के 5 स्पीसीज मिले, अब तुमने और बड़ा एरिया लिया तो वहां बर्ड्स के स्पीसीज और 5 तरह की मिल गई, यानी 10 मिल गई, और बड़ा स्पीसीज का एरिया लिया 20 ले लिया, और तुमने एरिया बढ़ाया तो अब वही स्पीसीज बार बार रिपीट होते जाएगा, तो तुम जैसे जैसे और एरिया बढ़ाओगे तो अभी स्पीसीज का नंबर कितना है, 20 है, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे थे तो नंबर ऑफ स्पीसीज तो बढ़ रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद में वो कांस्टेंट हो गया। इसलिए आपने देखा होगा ये जो फिगर एनसीईआरटी ने बनाया है, तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हो स्पीसीज का नंबर बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद में वो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। अब एरिया बढ़ाते जाइए, एरिया बढ़ाते जाइए, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज तो सेम रहेगा ना, तो यही बस वो फार्मूला को आप डेराइव कर लेना। तो जो एनसीईआरटी में फार्मूला लिखा है, लैग जेड सी जेड जो भी लिखा है आपको फार्मूला में ना, वो एग्जैक्टली याद रखना। तो यही स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे आप एरिया को इंक्रीज कीजिएगा नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन एक पार्टिकुलर एरिया के बाद और साइज बढ़ा देंगे तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब नए स्पीसीज रहेंगे जंगल में तब तो मिलेंगे, हम जंगल में गए स्पीसीज 10 मिला, और बढ़ाया और स्पीसीज मिले, और बढ़ाया और स्पीसीज, अब सेम स्पीसीज बार बार रिपीट हो रहे, तो एरिया बढ़ाते जाइए, नंबर ऑफ स्पीसीज डिफरेंट तो नहीं बढ़ेगा, नंबर अमाउंट बढ़ते जाएगा लेकिन नंबर डिफरेंट टाइप के तो नहीं बढ़ेंगे, तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो एनसीईआरटी में दिया है ना वही हाइपरबोला वाला, और यहां से उसका हम लोग ये ले लेंगे, ठीक है, जैसे हमने निकालते हैं फिजिक्स वगैरह में, तो जो एनसीईआरटी में वहां पर ग्राफ लिखा गया बस वैसे ही लिख देना और कुछ नहीं करना। चलो और आगे बोलो, बोलो छोटे छोटे डॉट्स बोलते जाओ, उसको हम लोग फटाफट एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं कि पूरा चैप्टर कवर किया। बोलो सर एक बार सर प्लीज, आपकी होल की कॉलिंग डेफिनेशन कॉलिंग बता दो। किसका डिफिनेशन, एक बार में एक बोल, हाँ बोलो किसका डिफिनेशन, सर एलियंस रूल की। एलील सलूट की कौन सा है, ये इकोलॉजी का किसका तुम पूछ रही,
वापस से बोलो। बाकी लोग फटाफट या तो मैसेज में लिखते, जो मैं मैसेज देख रहा हूं सबका। रेगुलेटर एंड कंफॉर्मर, देखो ध्यान से। अब देखो सिंपल, अपने बारे में सोचो। अभी मान लो कि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, ठीक है, तुम्हारे अंदर बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर मैं 50 डिग्री सेल्सियस कर दूं, फिर भी तुम्हारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बाहर का टेम्परेचर मैं 10 डिग्री सेल्सियस कर दूं, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री, फिर भी तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, इंटरनल बॉडी कितना रहेगा, 37। 0 डिग्री कर दे तब भी तुम्हारा क्या रहेगा, 37। यानी बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, तुम्हारा अपना टेम्परेचर कितना है, फिक्स्ड है, 37 ही है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेसिटी है, बाहर में एनवायरमेंट कैसा हो, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल सॉल्ट का कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट रहेगा, ये टेम्परेचर के लिए वैलिड है, और अंदर में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन उसके लिए वैलिड है, तो सेम रहेगा। बाहर में तुम चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं रेगुलेटर, रेगुलेटर। तो देख लीजिए यहां पास, यहां बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, यही है ना। लेकिन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एकदम फिक्स है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या इसमें कोई चेंजेस आए, बदलाव आया? तो जिस ऑर्गेनिज के अंदर में कोई बदलाव नहीं आएगा, हमेशा बॉडी का टेम्परेचर या सॉल्ट का कंसंट्रेशन एकदम कॉन्स्टेंट रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे रेगुलेटर। चलिए कन्फॉर्मर, कन्फॉर्मर इसके उल्टे, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री किया, बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री, बाहर 50 किया, ठीक है, इंटरनल 50 हो गए, बाहर में 10 डिग्री किया, 10 डिग्री हो गए, बाहर में 0 डिग्री, इसका भी 0 डिग्री हो, तो बाहर में भी 0 डिग्री है, देख लीजिए इसका भी 0 डिग्री है, बाहर में 10 तो इसका भी 10। तो देखिए बाहर का टेम्परेचर से जैसे जैसे चेंज हो रहा है, बाहर का क्या किया 10 डिग्री, इसका भी 10 हो गया, बाहर 20 किया, इसका भी 20 किया, 30 किया, 30 किया, तो बाहर का टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसा बाहर वैसा अंदर का। दूध लो गैस चूल्हे पे रख दो, बाहर का टेम्परेचर कितना तुमने गैस चूल्हे में टेम्परेचर दिया, 50 डिग्री, दूध का 50 डिग्री हो गया। फ्रिज में रख दो, फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री, दूध का टेम्परेचर 4 डिग्री। फ्रीजर में रख दिया, डीप फ्रीजर में, माइनस में चला गया, दूध का टेम्परेचर भी माइनस पे चला गया। तो जिसमें अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हो जाए, वो क्या होगा, कन्फॉर्मर। और पार्शियल रेगुलेटर क्या होंगे, आपके एनसीईआरटी में बना, ये देखिए, ये हो गया आपका रेगुलेटर, ये क्या हो गया आपका कन्फॉर्मर, और तीसरा कुछ देर तक तो अपने बॉडी को रेगुलेट करेगा, कुछ देर तक तो बॉडी को रेगुलेट करेगा, बाहर जितना अपना नॉर्मल कांस्टेंट रखेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो नहीं कर सकता, किसी को कहा पार्शियल रेगुलेटर। ये तो एनसीईआरटी में एक सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन। देखो ध्यान से, कोई भी एनिमल्स, ध्यान सुनो, कोई भी एनिमल्स, तुमने जंगल से एक टाइगर को पकड़ लिया, जंगल से एक टाइगर को पकड़ लिया, पता चला टाइगर का पॉपुलेशन घट रहा था, तुमने बताया गवर्नमेंट को कि टाइगर का पॉपुलेशन घट रहा है, आने वाले टाइम में सारे टाइगर खत्म हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट इसे कंजर्व करेगी, यानी बचाव करेगी कि इसका नंबर बढ़ सके। उसके बाद दो मेथड है, या तो टाइगर को लाए अपने घर में पिंजड़े में बंद कर दे, टाइगर को उठा के लाए अपने घर में पिंजड़े में बंद कर दे, जू में बंद कर दे ना, एक जगह आर्टिफिशियली जगह बनाया वहां बंद कर दिया, तो क्या ये उसका नेचुरल प्लेस है, टाइगर की ये नेचुरल प्लेस है, नहीं। तो अगर तुमने टाइगर, लायन, डियर, किसी को तुमने फॉरेस्ट से उठाया और तुमने उसका कंजर्वेशन कर दिया, कहां, आउटसाइड ऑफ नेचुरल प्लेस, तो इसे हम लोग कहेंगे एक्स सी टू। लेकिन अगर तुम उसी जंगल में उसे प्रिजर्व कर दो, इसी जंगल में उसका रख रखाव कर दो, चारों तरफ से बाउंड्री मार दो, कोई हंटर नहीं जा सकता है, कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए, कोई प्रीडेटर ना हो, उसका बचाव कर लो, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जहां वो रहता था वही उसे प्रिजर्व कर लिया, कंजर्व कर लिया, तो इसे कहेंगे हम लोग इन सीटू।
तो जैसे हमने नेशनल पार्क बना दिया, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए, या नेचुरल प्लेस जहां उसके रहने की जगह थी वहीं उसे कंजर्व कर लिया गया, तो ये कहलाएगा इन सीटू, आउटसाइड ऑफ नेचुरल प्लेस। तुमने पार्क में ले जाकर रख दिया, पार्क में क्या टाइगर को रखने की जगह है? क्या उसका नेचुरल प्लेस है? पिंजड़े में रख दिया तुमने, अपने घर में बाउंड्री में रख दिया, क्या नेचुरल प्लेस है? नहीं। तो ये हो गया एक सीटू। आजकल एडवांस एक सीटू कंजर्वेशन आ गए, हम उसके स्पर्म को, हमें मालूम है ये एनिमल्स मर जाए, ये लास्ट एनिमल है, उसके स्पर्म को ओवम को प्रिजर्व करके रख ले। हाँ, तो ये थोड़ा सा हो गया कि एडवांस टेक्नोलॉजी, हम -196 पे उसके स्पर्म को ओवम को ना इम्ब्रियो को प्रिजर्व करके रख ले। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी किसका हो गया? एक सीटू कंजर्वेशन का। तो सिंपल है, जहां उसका नेचुरल प्लेस है वहीं रखना, इट इज कॉल्ड द इन सीटू। आउटसाइड ऑफ नेचुरल प्लेस रखना एक सीटू। तो इन सीटू का एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, जो नेशनल पार्क है, बायो रिजर्व, रिजर्व है, हॉटस्पॉट है, उस एरिया को हमने पूरा हॉटस्पॉट बना दिया। वहां कोई अब नया एयरपोर्ट नहीं बनेगा, वहां रेलवे ट्रैक नहीं बनेंगे, वहां कोई हम लोग फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, वहीं पर कंजर्व कर दिया। बाहर से टूरिस्ट बहुत कम अलाउड है, चारों तरफ से कवर्ड है, हंटर नहीं जा सकते, शिकार नहीं हो सकता, बाहर से हमने बचाव कर दिया। तो ये हो गया कौन? इन सीटू। बाहर में हमने उसे पकड़ के लाया, अपने घर पे रख लिया, पिंजड़े में रख लिया, तो ये क्या हो गया? एक सीटू। जैसे पार्क जो अब करते हो, जू, जूलॉजिकल पार्क, जू जाते हो ना, तो क्या उसका अपना नेचुरल प्लेस है? नहीं। या इसी तरह से आपने और कोई सफारी पार्क आजकल हम लोग बनाते हैं, हमने क्या किया, एक जंगल बना दिया, उसमें हमने नेचुरली, हमने आर्टिफिशियली सारे एनिमल्स को वहां पर रख रहे हैं, तो इसी को सफारी पार्क कहते हैं। ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपको एक सीट। चलो फटाफट मैसेज बॉक्स में लिखते जाओ, मैं आंसर करते जाऊंगा, फटाफट बोलो। सर एंडेमिज्म बता दीजिए एक बार। जो स्पीसीज और कहीं ना मिले, जैसे मैं अभी असम में हूं, तो वर्ल्ड के 70% वन हॉर्न राइनोसोरस वन हॉर्न वाले पूरे दुनिया में केवल यही है, 70%, कुछ कुछ और है, मैक्सिमम यही है। तो यहाँ की वो लोकल स्पीसीज है, इसी को जो और कहीं नहीं पाया जाएगा, वो यही केवल रहते, इसी एनवायरमेंट में रहते और कहीं नहीं पाया जाता, उसे कहते हैं इंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, जैसे अफ्रीका में कोई एनिमल्स रह रहा है और कहीं नहीं पाया जाएगा, इंडेमिक है। अब जबरदस्ती मैं इंडिया से ले जाके वहां रख दूं, तो वहां के लिए हो जाएगा एग्जॉटिक स्पीसीज। ठीक है, इंडिया में कोई एनिमल्स पाया जाता और कहीं नहीं पाया जाता, तो ये कहां हो गया भाई? इंडेमिक हो गया। बाहर से मैं कोई ला करके रख दूं, बाहर से मैं ला करके रख दूं, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से यहां डाल दूं, तो वो यहां के लिए हो जाएगा एग्जॉटिक स्पीसीज, जिसे यहां कॉम्पिटिशन होने के डर है, जिससे कि यहां के लोकल स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज मरने के डर है, डिग्रेड होने के डर है। चलिए अब एक पूछा है सैक्रेड ग्रुप्स। देखो हम जंगल का बचाव कैसे करें, एनिमल्स का बचाव कैसे करें, प्लांट्स का बचाव कैसे करें? देखिए हमने बचपन में सुनते हैं बच्चा कि हम जंगल की कटाई करते थे, तो क्यों ना हम लोग तुलसी, सुना है तुलसी को कोई लोग नहीं काटते, क्यों? क्योंकि हमारा एक धार्मिक रिलीजन उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं, तुलसी बोला अच्छा प्लांट है, हम उसकी पूजा भी करते हैं, हम उसे नहीं काटेंगे, हमारा रिलीजियस व्यू है। जैसे गंगा, वो सैक्रेड है, हमारे लिए धार्मिक महत्व है उसका ना, इसी तरह से कई सारे जंगल है ना जो आदिवासी हैं, वहां के लोकल लोग हैं, उनको एज ए ना पूजने में यूज करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं, उनका धार्मिक एक जुटा हुआ है कि हम जंगल की कटाई नहीं करने देंगे, हम खुद नहीं काटेंगे, किसी बाहरी को काटने भी नहीं देंगे, हमारा उसे लगाव हो चुका है, इसी को कहते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। जैसे कि आपका गंगा रिवर, आप उसका रख रखाव करते हो, गंदगी नहीं होने देंगे, तुलसी है, नीम है, तो हमारा एक धार्मिक उसे लगाव हो गया है, इसी को कहते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। तो इसी तरह से कई सारे आपने पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे जंगल है, फॉरेस्ट है, या मेघालय में जयंतिया खासी है, ठीक है, कई सारे ऐसे फॉरेस्ट है जिसको लोगों ने, वहां के ट्राइबल्स ने एज ए धार्मिक जुड़ाव उनसे हो गया, उनको कटाई से रोकेंगे, तो हम फॉरेस्ट को कैसे बचाएं, जंगल को हम कैसे बचाएं, तो इसके लिए हमने एक धार्मिक महत्व डेवलप किया, उसको प्रमोट करना स्टार्ट किया कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब क्या हो गया? धार्मिक। चलो ब्रॉड एंड नैरो यूटिलिटेरियन, देखिए ध्यान से, अब मैं बोलूं डाइवर्सिटी का क्या फायदा, जंगल के क्या फायदे भाई, हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं,
जंगल से हमें क्या फायदे हो सकते हैं? तो एनसीईआरटी ने बोला दो तरीके, एक ब्रॉड एक नैरो। नैरो कहने का मतलब फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, लकड़ी मिल जाएगा, हमें फूड के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, चलिए भाई ये तो क्या नैरो है, हम वहां से कलेक्ट करेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, कागज की फैक्ट्री बनाएंगे, पेंसिल की फैक्ट्री बनाएंगे, वहां से फ्रूट निकालेंगे, वहां से सीड निकालेंगे, बेचेंगे, खाएंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है। लेकिन ब्रॉड वे में सोचो, जंगल फॉरेस्ट क्या देता है हमें, ऑक्सीजन देता है। आपने पढ़ा है ना अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन अर्थ का वही देता है, तो ये क्या है, ब्रॉड है ना। अब सोचो वहां पर जो डाइवर्सिटी, जैसे बोले हनी बी से हमें क्या फायदा है, तुम सोच भी नहीं सकते, हनी बी बच्चा पॉलिनेशन कराता है, अब पॉलिनेशन अगर आर्टिफिशियली कराते तुम्हें कितना टाइम लगता, कितना पैसा खर्च करना पड़ता, लेकिन एक स्पीसीज के चलते हमारा पॉलिनेशन हो रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, सॉइल इरोजन से बचा रहा है, जंगल है तो सॉइल को डिग्रेड होने से बचा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचा रहा है, रेन जो आपका रेनिंग हो रहा है ना कि यहां बारिश होगी, कैसे बारिश होता है तो पानी जाएगा, वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल को कौन चला रहा है, फॉरेस्ट चला रहे हैं, तो ये सब उसका ब्रॉड यूटिलिटी ना, ब्रॉड उसका बड़ा महत्व है, हम इसको पैसे में कैलकुलेट नहीं कर सकते, पैसे में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो नैरो में है कि भैया उसके क्या क्या फायदे, लेकिन ब्रॉड में हो गया कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से बचा रहा है ना, सॉइल इरोजन से बचा रहा है, ये उसका ब्रॉड फायदे हो गए। चलो और बोलो सर, एथिकल भी बता ही दीजिए। कौन सा बोला, एथिकल? एथिकल मैसेज मिलेगा सभी लोग। अरे मुझे पता रहता तो ये सब मैं पढ़ा देता, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन बता दीजिए। अरे नैरो वाले के एग्जांपल, अरे चलो मैं दिखाता हूँ, एनसीईआरटी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, देखो बहुत आसान सा है, तुम लोगों ने क्या पढ़ा फिर, बायोडाइवर्सिटी सर बस बायोडाइवर्सिटी अच्छा नहीं है, उसमें रटने वाला है वो अलग बात है, मुझे बोलते तो मैं पहले से पढ़ा देता, मुझे लगा तुम लोगों ने पढ़ा होगा, आसान सा तो है। देखिए सर बायोडाइवर्सिटी का हमारे, देखो एक मिनट, इतने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, क्या हमारा इथिक्स मोरालिटी नहीं बनता कि वो खत्म हो रहे उसे बचाएं? कोई एनिमल्स मर रहा है, बोलेंगे सर हमें क्या फायदा है, कोई स्नेक है स्पीसीज खत्म हो जाए, हनीबी के स्पीसीज खत्म हो जाए, टाइगर के, टाइगर से हमें क्या फायदा है, हमें डियर से क्या फायदा है, तुम बोलोगे ना, लेकिन हमारा इथिक्स क्या कहता है कि गॉड ने अर्थ पे ढेर सारे स्पीसीज बनाए, उसमें ह्यूमन बींग सबसे सुपीरियर है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारा इथिक्स नहीं है क्या कि हम कोई स्पीसीज का लॉस हो रहा है उसे हम बचाएं? बस यही तो कह रहे हैं, इथिक्स तो ये है ना, हमारा मोरलिटी, हमारा मोरल कहता है ना कि उसे हम बचाएं। चलिए हाँ, तो बोलो ये था तुम्हारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रहा है, उसके रीजन दे गए हैं, नैरो देखो, नैरो और ब्रॉड यही दिया ना, तो तुम क्या करते हो यार, जंगल के क्या फायदे मुझे बताओ, सर जंगल से लकड़ी काट के लाते हैं, फायरवुड, फाइबर्स, उसमें से केमिकल निकालते हैं, बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, कितने सारे फैक्ट्री हमने एस्टेब्लिश कर दी है, ठीक है, और कितने सारे मेडिसिन, आयुर्वेद, कितना सारा मेडिसिन ड्रग्स हमें निकलता है, कौन दे रहा है, जंगल से ही तो निकाल रहे, तो क्या फायदा नहीं हुआ, तो पैसे के टर्म में जोड़ना, पैसे के टर्म में जोड़ना नैरो, ब्रॉड मतलब पैसे के टर्म में मत जोड़िए। चलिए मैं बता रहा हूं, तुम बच्चा कहीं घूमने गए, नैनीताल, शिमला, वाओ क्या दिख रहा है, क्या नजारा है, इसको कभी तुम पैसे में, आप पैसे में सोच सकते हो क्या, घूमने गए हिमालयन रीजन, तुमने देखा बोले भाई अमेजिंग क्या दिख रहा है भाई, तो उसको पैसे में जोड़ सकते हो, वो दे रहा है तुम्हें, ये हो गया ब्रॉड वाला वाओ इफेक्ट, ठीक है। अब हनी भी पॉलिनेशन करा रहा है, इसका पैसा जोड़ोगे तुम? एनसीईआरटी में कहा है कि अभी देखिए कोई पेशेंट है वो ऑक्सीजन लेता है, हमने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया, सांस लेता है, एक सिलेंडर का बच्चा 10,000 रुपए लगते, 10,000 रुपए एक सिलेंडर का, और तुम्हें फ्री में नेचर दे रहा है, फ्री में नेचर, तुम जिंदगी भर लाखों ऑक्सीजन लोगे, हाँ लाखों लीटर तुम लोगे अपने लाइफ चलाने के लिए, वो क्या दे रहा है, फ्री में मिल रहा है तुम्हें, नेचर फ्री में दे रहा है, उसका पैसा कॉस्टिंग कौन जोड़ेगा,
चलिए यही तो लिखा है, पॉलिनेशन को कौन जोड़े, देखो 20% ऑक्सीजन कौन दे रहा है भाई, आपके अमेजन दे रहे, रेन फॉरेस्ट दे रहे, उसका पैसा कौन जोड़ेगा। फिर जो बुलबुल है कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग आता है सुबह में सुनाई देता है, उसका पैसा कौन जोड़ेगा। तो जो वाओ इफेक्ट है ना उसका पैसा कौन जोड़ेगा, तो ये हमारा नेचर दे रहा है, तो नेचर को प्रिजर्व, ठीक है। वी वॉर प्लांट एनिमल, तो ये बैक्टीरिया है, फंगस है, प्लांट है, क्या हमें स्पिरिचुअली हमारा धार्मिक नहीं कहता। वन मिनट, हर धर्म कहता है बच्चे, वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म, कोई भी, हर धर्म बोलता है कि हमें प्लांट को बचाना चाहिए, हमें एनिमल्स को बचाना चाहिए, माइक्रोब्स को बचाना चाहिए, डाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। तो ये हमारा एक धार्मिक भी है और ये हमारा मोरालिटी है कि हम उसको प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि हमारे फ्यूचर जो आएंगे उनको भी तो मिले। क्या हम सारे जंगल काट दें, क्या हमारे फ्यूचर को कोई ऑक्सीजन ना मिले, सारे जंगल काट दें जिसे को रेजिन गम्स कुछ ना मिले, तो ये हमारा मोरल भी है, इथिकल भी है कि फ्यूचर के लिए हम प्रिजर्व। समझ में आ गया, एंडेमिज्म समझ में आ गया, ऐसा ऑर्गेनिक जो उसी एरिया में पाया जाता है दूसरी जगह नहीं पाया जाता, एंडेमिक। इस प्रोसेस को वर्ल्ड के 70% ही एंडेमिक स्पीशीज हो गए। चलो और बोलो सर, एक बार देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आए। एक चैप्टर का तो सबसे इजी सा क्वेश्चन, हाँ बोलो सर, इकोलॉजिकल और स्पीशीज और जेनेटिक डाइवर्सिटी बता दीजिए। अच्छा ठीक है, इकोल पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला। देखो एक तो डाइवर्सिटी लॉस पूछा जाएगा, जंगल वहां प्लांट एनिमल है वो लॉस हो रहे, क्यों हो रहे। सबसे मेन है हैबिटेट लॉस, तुम वहां फैक्ट्री बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, रेलवे ट्रैक बना रहे हो, फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं, उनका घर टूट रहा है, आपकी वॉइस ब्लैक हो रही है। वो जगह रहने की जगह हाथी, आवाज आ रहा है, हाँ, तो वो जगह रहने का हाथी का था, तुम उसके भाई यहाँ पास इस गांव में कौन आ गया भाई, लेपर्ड आ गया। यस सर, वॉइस लैग हो रही है आज। आप जगह को छून ली, हैबिटेट लॉस, और घर का बंटवारा कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। सोचिए बीच में हमने एयरपोर्ट बना दिया, बीच में हमने रेलवे ट्रैक बना दिया, अब यहाँ से यहाँ जाना है, बीच में रेलवे जाएगी, कितने का नुकसान हो सकता है। बहुत बार सुनते हो केरला वगैरह में रेलवे ऊपर से चले गए, हाथी का डेथ हो गया, हाथी को मार रहे क्योंकि उसका, कितने प्लांट्स को मार रहे उससे कुछ मेडिसिन बनते, बर्ड्स को मार देते, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उसका एक तरह से हंटिंग करना, जरूरत से ज्यादा यूज करना, जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एलियन राइनोसोरस आपके वॉइस बहुत ज्यादा और वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जा रही, सही कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा, अब आ रहा है आवाज, पता नहीं क्या हो रहा है, अब आ रही आवाज आ रही है सर, अभी तो आ रही है पर बीच बीच में ब्रेक हो रही है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, अरे छोटे छोटे टॉपिक्स सीखते हो सीखने। हाँ बोलो, तो मैंने चार चीज बताई, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, अगर किसी जंगल में कोई फॉरेन स्पीसीज आ जाए, बाहरी आ जाए, और वो डोमिनेंट है तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे कॉम्पिटिशन में खत्म हो जाएंगे। इसलिए कई सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया, कई बार हमने बाहर से फॉरेन कंट्री से मछलियां ला दी इंडिया में, गंगा में डाल दिया, और यहाँ के लिए वो सुपीरियर है, यहाँ वो आसानी से रह सकती, यहाँ के फूड को आसानी से ले सकती है, तो जो यहाँ के इंडेमिक स्पीसीज है, नॉर्मल स्पीसीज है, वो खत्म हो जाएगी। एलियन स्पीसीज में को एक्सटिंक्शन, ध्यान से, हनी बी और प्लांट दोनों में रिलेशन है, हनी बी क्या करेगा, पॉलिनेशन, प्लांट का क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अगर हनी भी मर गया तो प्लांट मर जाएगा, हनी भी मर गया तो प्लांट मर जाएगा, तो एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है,
एक प्लांट का डेथ होगा तो दूसरा ऑर्गेनिज्म का भी डेथ हो जाएगा, इसी को कहा को एक्सटिंक्शन। चलो और बोलो फटाफट सर, प्लीज डाइवर्सिटी के तीन पार्ट भी बता दो। कौन से डाइवर्सिटी के सर? वो जो स्पीशीज जेनेटिकल और इकोलॉजिकल है सर, वो वाला। अरे देखो यहाँ ध्यान से, देखो ये वाला ना, देखो तुम आम खरीदने जाओ, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आम गर्मी का टाइम आम खरीदने जाओ, आम जैसे खरीदने जाओगे तो दुकानदार से पूछोगे ये आम कैसे है, ये बोलेगा 200 रुपए किलो। एक आम 100 रुपए किलो है, एक आम 50 रुपए, एक आम हो सकता है 30 रुपए भी। तो तुम बोलोगे सर सारा आम तो महंगी फेरा इंडिका है, सारा आम तो महंगी फेरा इंडिका है, तो सब अलग अलग क्यों है? सोचा कभी? सारे आम तो एक स्पीसीज है महंगी फेरा इंडिका, तो अलग अलग क्यों दिखते हैं? कोई ज्यादा मीठा है, कोई ज्यादा बड़ा है, कोई ज्यादा छोटा है, जो ज्यादा स्वीट दिख रहा है, ज्यादा अट्रैक्टिव कलर का दिख रहा है, क्यों? यानी एक स्पीसीज के कई सारे वैरायटी होंगे, एक स्पीसीज के कई सारे वैरायटी होंगे, यानी उनमें जीन अलग अलग होगा, तभी तो आम अलग अलग है। तो यही तो हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। इंडिया में राइस के 200,000 वैरायटी है, तो है तो एक ही स्पीसीज, अलग अलग राइस क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर जीन्स अलग अलग है, इसी को कहा जीन्स अलग अलग होना एक ही स्पीसीज में, जेनेटिक डाइवर्सिटी। यही एनसीईआरटी ने रॉ वोल्फिया वेमिटोरिया से समझाया है कि हिमालयन रेंज में जाओगे तो उनसे कुछ केमिकल निकलता है रिजर्पिन करके, तो ऊपर वाले एरिया में शायद ज्यादा रिजर्पिन है, नीचे वाले एरिया में कम है, क्यों सर? यानी ऊपर वाले में जीन्स अलग होंगे, नीचे वाले में जीन्स अलग होंगे, वहां का अडेप्टेशन अलग होगा, तो एक ही स्पीसीज के अलग अलग फॉर्म यानी वैरायटी का होना, क्योंकि अलग अलग उसमें जीन्स है, इसलिए कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या बात समझ में आ गई? बोलो फटाफट। यस सर। ठीक, थोड़ा सा आवाज लैग करेगा, पता नहीं यहां से इंटरनेट का इशू है। अब देखिए एनसीईआरटी में लिखा है इंडिया है मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। तो तुम बोलोगे सर आप बायोटेक में तो 2 लाख वैरायटी था, याद करो जब आपने बायोटेक पढ़ा था तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा था कि इंडिया में राइस के 2 लाख वैरायटी है, और सर यहां लिखा है इंडिया है मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब वैरायटी सर, क्यों? समझिए यहां लिखा मोर देन 50,000 है, रियल में 2 लाख, रियल में कितने? 2 लाख। तो एनसीईआरटी ने इसी को लिखा मोर देन 50,000, यानी तुम्हारे पास 2 लाख रुपए हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे पास मोर देन 50,000 रुपए है? कहा जा सकता है, बस यही। तो टेंशन मत लीजिएगा। मैंगो की कितनी वैरायटी? 1,000। मैंने बोला ना 1,000 कैसी मैंगो की वैरायटी होगी सर, सब में जीन्स अलग अलग होंगे। चलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी, अब यहां पर दिया गया कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट की तरफ बारिश ज्यादा होती है, वहां नमी ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, तो वहां नंबर ऑफ स्पीसीज यानी कि वहां नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, और ईस्टर्न घाट की तरफ बारिश कम होती है तो नंबर ऑफ स्पीसीज कम है। तो एक एरिया ले लीजिए 100 किलोमीटर स्क्वायर का, दूसरा ले लिए 100 किलोमीटर स्क्वायर का, तो एक तरफ स्पीसीज का नंबर ज्यादा है और एक तरफ स्पीसीज के नंबर कम है। फ्रॉग में फ्रॉग की स्पीसीज एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो हम लोग क्या कहेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो एक स्पीसीज में अलग अलग जीन्स का होना, उसके अलग अलग वैरायटी का होना जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक एरिया में अलग अलग स्पीसीज का होना स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसी तरह से इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सोचो तुम डेजर्ट में जाओ, वहां के आप देखो, वहां के इकोसिस्टम को देखो, नंबर ऑफ स्पीसीज को काउंट करो, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाओ वहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज को काउंट करो, तो जाहिर सी बात है दो अलग अलग इकोसिस्टम, तो वहां पर डाइवर्सिटी तो अलग अलग होगी। जहां पास सनलाइट ज्यादा आएगा, लाइट ज्यादा आएंगे, टेम्परेचर अच्छा होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, तो वहां भी डाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा होगी, और जहां पास लाइट कम आ रहा है टेम्परेचर कम है तो वहां डाइवर्सिटी तो कम होगी ना। तो ये हो गया इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, कितना बड़ा इकोसिस्टम है ये कहलाएगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगली बात समझ में? तीनों कर लोगे?
जन समझ में आ गया? यस सर। चलो देख लो, डेजर्ट में कम बारिश होती है तो वहां जो इकोसिस्टम के अंदर में मेंबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के मेंबर होंगे कम होंगे ना। और लेकिन वही एरिया आप ले लो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, बारिश अच्छा होता है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पास उसी इतने ही एरिया में नंबर ऑफ स्पीसी ज्यादा होंगे, डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। चलो और बोलो फटाफट। बोलो बोलो जल्दी बोलोगे तो जल्दी हम लोग करेंगे, जो भी छोटे मोटे पॉइंट। सर प्लीज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो सर जो आ सकते हैं पेपर में। अभी इसमें देखो जो मेन क्वेश्चन आएगा ना वो मैं बता रहा हूं इस चैप्टर में, तो पहले बोलना था कल एग्जाम है, लेकिन पहले प्री बोर्ड में तो निकाल लो, पूरा चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है ना वो आपको एक तो ये वाला चार्ट वाला याद हो गया तो ठीक है, चार्ट वाला ये पूछेंगे नहीं, बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन है। तो सबसे ज्यादा सबको मालूम है ना मोस्ट डाइवर्स किंगडम कौन से थे, आर्थ्रोपोडा। उसमें सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा में कौन आते, इंसेक्ट्स ही तो आते। फिर आपको मोलस्क याद रखना है, क्रस्टेशियंस, तो ये पाई चार्ट याद रखिए। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन होगा, मछलियां होंगी, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे तो एंजियोस्पर्म और फंजाई होंगे, करना पड़ेगा ठीक है। और ये पूछा जाएगा डाइवर्सिटी किस चीज पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूडनल ग्रेडिएंट। ग्रेडिएंट कहने का मतलब है सिंपल सा कि ये आप अर्थ है तो इक्वेटर को हम 0 डिग्री मानते हैं, इधर से हम कुछ 23, 66, 90 मांगते हैं ना, ज्योग्राफी में ऐसा पढ़ा था 23, 66 ठीक है। अब देखो इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, किसके तरफ जाओगे, पोल की तरफ, इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाइए, कोई भी पोल की तरफ जाइए, नॉर्थ या साउथ, तो जैसे जैसे इक्वेटर से आप ऊपर की तरफ जाओगे, पोल की तरफ जाओगे, तो क्या होगा, बारिश कम होगी, बारिश कम होगी, टेम्परेचर भी कम होगा, तो जाहिर सी बात है पानी भी कम है, टेम्परेचर भी कम है, तो जाहिर सी बात है डाइवर्सिटी भी कम होगी। इसलिए इस एरिया में अगर इतना बड़ा एरिया यहां ले लो और डाइवर्सिटी नोट करो, इतना बड़ा एरिया यहां ले लो डाइवर्सिटी नोट करो, इतना बड़ा एरिया यहां ले लो यहां डाइवर्सिटी नोट करो, तो एनसीईआरटी ने डाटा दिया है, तो मान लो इस एरिया में 100 स्पीसीज होंगे बर्ड्स के, तो इसमें मान लो 20 होंगे और इसमें होंगे केवल 5 होंगे, क्योंकि यही कहलाता है ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, चेंजेस लैटिट्यूड। तो इक्वेटर से जो भी एंगल आप बना रहे हो उसी को लैटिट्यूड कहते हैं ठीक है। तो लैटिट्यूड में जो चेंजेस लाएंगे, बदलाव लाएंगे, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर भी घटता है पोल की तरफ जाने पे ठीक है, बारिश भी, प्रिसिपिटेशन भी घटता है, तो टेम्परेचर कम, बारिश कम, तो जाहिर सी बात है डाइवर्सिटी भी कम होगी, तो जैसे जैसे आप इस एरिया में जाएंगे डाइवर्सिटी भी क्या होगी, कम होगी। इसी को एनसीईआरटी ने कहा है लैटिट्यूडनल ग्रेडिएंट, पूरा पढ़ लेना, देख लीजिए यहाँ पास पूरा डेटा वेटा एनसीईआरटी में दिया है, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाए। सेकेंड चीज, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाइए, एक जंगल में जाइए 1 मीटर स्क्वायर में बर्ड्स का नंबर देखिए 5 में, और एरिया बढ़ाओ 10 मिलेगा, और एरिया बढ़ाओ 20 मिलेंगे, और एरिया बढ़ाओ 30 मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप पूरा जंगल को कवर करते जाइएगा तो सेम स्पीसीज बार बार रिपीट होगा, सेम स्पीसीज कबूतर है, चुभी है, सेम ही स्पीसीज तो बार बार रिपीट होते जाएंगे ना, इसलिए जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे स्पीसीज तो बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद एरिया बढ़ाइएगा फिर भी वो कांस्टेंट हो जाएगा, देख लीजिए। तो यही उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया है, लॉग स्केल पे ले लिया ठीक है, एस इक्वल टू सी ए टू पावर जेड, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दोगे तो लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, यही है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था, बस इतना याद कर लोगे
आप देख लेना, फिगर देख लेना, इक्वेशन याद रखना, हो जाए, फिगर और इक्वेशन से काम चल जाए। अब बोले कि इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या है, बताओ भाई फायदा क्या है। तो ये इंपॉर्टेंस वाला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहीं पास एक मैंने आपको पहले भी बताया होगा मॉडल ना, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, याद किया कि एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर में जो नट वोल्ट है, नट वोल्ट है, ठीक है, तो उसी को नट वोल्ट को एक स्पीसीज मान लो। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, फ्लाइट चल रही है, आप नट वोल्ट निकालना स्टार्ट किए, नट वोल्ट कहां से निकाला, आपने चेयर से निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले मिरर से निकाल लिया, फर्क नहीं पड़ेगा ना, वहां पर बाथरूम में नट वोल्ट निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप नट वोल्ट कहां से निकालते हो ना, अगर तुमने सीट से निकाला, ठीक है, लेकिन अगर तुमने इंजन से निकाल दिया, जो विंग से इंजन से निकाल दिया तुमने क्या नट वोल्ट, तो उससे पूरा फ्लाइट डेंजर जोन में आ जाएगा, क्रैश करने का डर है। इसी तरह से कोई इकोसिस्टम में 100 स्पीसीज है, अगर 2-3-4 स्पीसीज 5 स्पीसीज का लॉस हो गया तो कोई डेंजर वाला साइन नहीं, लेकिन कुछ स्पीसीज उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट थी, अगर उस स्पीसीज का लॉस हो गया, उस स्पीसीज का तुमने लॉस करा दिया, तो ये डेंजर जोन में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। यही हाइपोथेसिस दिया था जो एक स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट थे पॉल इल्ट्रिक साहब। देखिए यहीं पर लिखा है, रिवेट्स मतलब वही नट बोल्ट, ठीक है, द लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, यानी की स्पीसीज, मेन स्पीसीज को हटा दिया तो पूरा डेंजर जोन में आ जाएगा। तो कर लोगे यहां तक, चलो अब ये इतना याद नहीं करना कि कौन कौन से स्पीसीज हाल फिलहाल लॉस हुए हैं, इतना तुम्हें याद नहीं करना है, जितने एक बार एनसीईआरटी पढ़ा, थोड़े बहुत जितने डेटा याद हुए बस वही करना है ना, इतना डिटेल नहीं पूछा जाता, इतना डिटेल नहीं पूछा जाए। फिर एक सीटू एनसीटू अच्छे से पढ़ लेना, एक सीटू एनसीटू 100% आएगा, बता रखा है, जहां एनिमल्स रहना पसंद करते वही तुमने रखा, वहां से निकाला वही रखा, उसके नेचुरल हैबिटेट में इनसीटू, और तुमने कहां रख दिया भाई, आउटसाइड ऑफ नेचुरल प्लेस, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एक सीटू। तो बस एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिएगा, हो जाए इनसीटू का एग्जाम्पल आप अच्छे से, हॉटस्पॉट हो गया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, अच्छे से याद रखिएगा। एक सीटू आपको मैंने बता दिया, आउटसाइड ऑफ द नेचुरल प्लेस। आजकल प्लांट को हम लोग कहाँ रख लेते हैं, सीड बैंक में, टिश्यू कल्चर लैब में रख लेते हैं, स्पर्म बैंक में रख लेते हैं, तो आउटसाइड ऑफ रखना, जैसे हमने टाइगर को कहाँ रख लिया भाई, म्यूजियम ने हमने कहाँ रख दिया भाई, पार्क में रख लिया, जू में रख लिया, कुछ प्लांट्स को हमने म्यूजियम में रख दिया, तो आउटसाइड रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सीटू, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए हमने कई सारे सबमिट में सम्मेलन में किए, जिसको हमने दो चीज याद रखना है, एक किया गया था अर्थ सबमिट और एक किया गया था वर्ल्ड सबमिट। ई फोर ई पहले आता है ना, ए बी सी डी ई, ई पहले आता है, तो अर्थ सबमिट पहले होगा 1992, और वर्ल्ड सबमिट, वर्ल्ड बाद में आता है, डब्ल्यू बाद में आता है, बहुत बाद में आता है, तो वो बाद में किया गया था 2002 में, 10 साल के गैप में। ई अर्थ सबमिट 1992, 2002 में कौन गया, वर्ल्ड सबमिट कहां किया गया था, तो याद रखना जोहान्सबर्ग, और अर्थ सबमिट कहां किया गया था, रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील। चलो इतना हो जाएगा मेरे मुझसे, बोलो फटाफट, तो एक बार जाके पढ़ लेना ना, प्री बोर्ड टेंशन मत लेना, इसे मैं वापस से डिटेल से पढ़ा दूंगा, कोई नहीं, तुम्हें पहले बोलना चाहिए था, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा देता, तुम लोगों ने बोला ही नहीं, ये चैप्टर मैं पूरा कर, सर एक बार आप वो 13 चैप्टर के और मेन टॉपिक बता दीजिए। ये कौन सा चैप्टर है, 13 है, कौन सा है, ये 15 है, 15 है, 13 कौन सा चैप्टर है, सर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये है। तो देखो यहाँ पर से तो सिंपल आएगा, ये ना ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म क्या है, इकोसिस्टम क्या है, समझ में आ रहा है ना, ऑर्गेनिज्म प्लस एनवायरमेंट, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लस एनवायरमेंट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। तो ये दो चीज पे मेनली डिपेंड करता, कोई भी इकोसिस्टम दो चीज पे डिपेंड करता है सर, कौन कौन, बारिश और टेम्परेचर, जितना ज्यादा बारिश जितना ज्यादा पानी उतना अच्छा इकोसिस्टम ग्रो करेगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में देखो कई सारे इकोसिस्टम के ग्राफ बनाए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बारिश ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा, डेजर्ट टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन बारिश नहीं है, इकोसिस्टम अच्छा नहीं होगा। इंडिया में कई सारे इकोसिस्टम है, ये एनसीईआरटी में दे रखे, मेजर बायो, बड़े इकोसिस्टम को बायोम्स कहते हैं। तो इंडिया में मेजर बायोम्स कौन कौन है,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसीडुअस, डेजर्ट, सी कोस्ट, और भी है इंडिया में बहुत सारे, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा मेजर बायोम। सर बायोम्स क्या होता है? बड़े इकोसिस्टम, लार्ज इकोसिस्टम, इसे क्या कहते हैं हम लोग? बायोम्स। चलो इसके अलावा इकोसिस्टम को में दो चीज, लिविंग नॉन लिविंग। लिविंग में कौन आ जाएगा? ऑर्गेनिज्म, खाना बनाने वाले प्रोड्यूसर, खाने वाले कंज्यूमर, और डिग्रेड करने वाले डिकम्पोजर। नॉन लिविंग में कौन कौन आएंगे? टेम्परेचर, दूसरा कौन आएगा? दूसरा आएंगे आपको लाइट, तीसरा सॉइल आएंगे, ही मेजर फैक्टर है। चलिए टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर वाटर, सेकेंड वाटर है, वाटर बड़ा जरूरी है लाइफ के लिए, वाटर है, लाइट है, लाइट आएगा तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तभी तो खाना बनेगा, और चौथा दे रखा है सॉइल, मिट्टी, ये चार चीज। अब रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, तो मैंने क्या बोला, तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर बाहर में कोई भी बदलाव करो, बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री कर दो फिर भी तुम्हारा 37, बाहर 20 करो फिर भी 37, बाहर टेम्परेचर कुछ भी हो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो तुम कैसे हो गए भाई? तुम हो गए, इसे कहेंगे रेगुलेटर, तुम रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है? कन्फॉर्मर, बाहर का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करेगा, तो तुम्हारा कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, बाहर का टेम्परेचर चेंज तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज, तो क्या हो गए भाई? तुम कन्फॉर्मर, ठीक है? तीसरा, कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ देर तक तो रेगुलेटर हो सकते हैं, अपने आप को कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखेंगे, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम के बाद में वो मेंटेन नहीं रख सकते, इसी को क्या कहा? पार्शियल रेगुलेटर। ग्राफ अच्छे से कर लीजिएगा, याद रहना चाहिए। रेगुलेटर पूरा लिखा है, कन्फॉर्मर क्या होता है बोलो? होमियोस्टेसिस। तुम बाहर का टेम्परेचर है, देखो बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री, बहुत गर्मी है, तुम्हारा बॉडी 37 मेंटेन करना चाहता है, इसलिए बहुत सारे पसीने आएंगे, पसीना वेपर के फॉर्म में उड़ेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा अपना बॉडी का टेम्परेचर को घटाने के लिए, कम करने के लिए। ठंड में बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है, तुम्हारा बॉडी 37 रखना चाहता है, तो शिवरिंग होगा, ट्यूटर रहेगा ना, तो उससे क्या होगा? थोड़ा सा एनर्जी निकलेगा, बॉडी को हीट करेगा, तो अपने आप को अडेप्ट करना है। अडेप्टेशन को ही क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस। अपने आप को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? होमियोस्टेसिस। माइग्रेशन, जो नहीं कर सकते अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद नहीं कर सकते, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता दुनिया में ना, तो क्या करेंगे? भाग जाएंगे यहां से, माइग्रेट कर जाएंगे, जैसे साइबेरियन क्रेन्स वाला दिया है कि टेम्परेचर -60 में चला जाता है, क्या करेंगे? वहां से ये भाग करके इंडिया में आ जाते हैं, भरतपुर नेशनल पार्क, क्यूलाडो नेशनल पार्क, दोनों नाम उसका, भरतपुर नेशनल पार्क या क्यूलाडो नेशनल पार्क, वहां आ जाएंगे, वो माइग्रेशन हो गया, सस्पेंडेड, भाग नहीं सकते, तो वही छुप जाइए। तो ठंड के टाइम में छुपिएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइबरनेशन। गर्मी में छुपिएगा, एस्टिवेशन नाम देंगे। अब अडेप्टेशन दे रखा है, अपने आप को कैसे अडेप्ट करें? अब प्लांट भाग तो नहीं सकता, गर्मी बहुत ज्यादा है तो अपने लीफ को हटा दीजिए, कैक्टस लीफ को हटा दिया, कांटे में कन्वर्ट हो गया। कंगारू रैट है, बहुत गर्मी है तो भाई पानी मत पी, तो सर पानी नहीं पिएगा तो जिंदा कैसे रहेगा? तो अपने अंदर जो फैट्स है फैट्स को तोड़िए। कंगारू रैट नेवर ड्रिंक्स वाटर, कभी पानी नहीं पीता, तो अपने अंदर के जो फैट्स है उसको तोड़िए, उससे एनर्जी आपको मिलेगा, उससे अपना काम चला लीजिएगा। यूरिन एकदम कंसंट्रेटेड सॉलिड फॉर्म में बनाइए, तो ये उनका अडेप्टेशन है, ठीक है? इसी तरह से कैंप प्लांट है, दिन में स्टोमाटा बंद रहेगा, रात में खुलेगा, क्योंकि उसे कम से कम पानी का लॉस करना है, तो ये सबका अलग अलग अडेप्टेशन है। जैसे हम लोग हिमालयन रीजन पे चले जाते हैं, ऊंचाई जगह पे चले जाते हैं, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो अपने आपको होमियोस्टेसिस मेंटेन कैसे करें? तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? हमारे अंदर में आरबीसी ज्यादा बनने लगेंगे, हीमोग्लोबिन जल्दी पकड़ेगा जल्दी छोड़ेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ा फटाफट छोड़ दिया वापस से आ गया, यानी हीमोग्लोबिन में बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सांस ज्यादा लेंगे, तेजी से लेंगे, हार्ट बीट ज्यादा होगा, तो अपने आपको मेंटेन करने का ये एबिलिटी है, तो ये इससे क्या कहते थे? एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट पे गए प्रॉब्लम हुआ, एल्टीट्यूड सिकनेस। अपने आपको बचाने के लिए क्या करेंगे? आपका हार्ट बीट तेजी से होगा, सांस तेजी से लोगे ना, आरबीसी ज्यादा बनेंगे और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाएगी, क्योंकि जल्दी पकड़े और जल्दी छोड़े, पकड़ा फटाफट छोड़े, अगर वो टाइम
टाइम लगाएगा, छोड़ने में टाइम लेगा, तब तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द टिश्यू में छोड़ना है, एफिनिटी को घटाना पड़ेगा। चलो फिर एनसीईआरटी में यही दिया है, बहुत सारे आर्की बैक्टीरिया है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे आराम से सर्वाइव कर लेते हैं, ये उनका एडेप्टेशन है। ठीक है, इसी तरह से आपको दे रखे कि कुछ कुछ मछलियां हैं वो बहुत डीप सी में रहती है, हाई प्रेशर जोन है, तो उसके अंदर ऐसे क्या रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, उनका बॉडी का शेप ऐसा रहता है, पतला रहता है कि हाई प्रेशर को भी सर्वाइव कर सके, तो उनके अंदर प्रोटीन्स है जिसके चलते वो अपने आप को सर्वाइव कर ले। ठीक है, तो ये कर लोगे तुम लोग, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट समझ में आता है, ये वाला ग्राफ कर लोगे सभी लोग, आता है बताना पड़ेगा, बोलो फटाफट। सर आता है, आता है सर, कर लोगे। ठीक है, मैं फिर भी सिंपल फॉर्म में एक सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ, ध्यान से, ज्यादा सोचना नहीं। इधर देखो, हम लोग ऐसे पॉपुलेशन को लिखेंगे नीचे में, 0 से 14, 0 से 14, आगे बात समझ में, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव। ये व्हाइट वाला लिखूंगा 14 से 60 के आसपास, 14 से 60 साल के बीच, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, नए ऑफस्प्रिंग, नए बच्चे बना सकते हैं। और ये 60 साल से ऊपर वाले, मेनोपॉज वाले, 60 साल से ऊपर वाले, जो अब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मालूम है ना, फीमेल के अंदर में 60 के बाद में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए ये प्री रिप्रोडक्टिव है, प्री, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि मैच्योरिटी तो आया नहीं, और ये पोस्ट मेनोपॉज हो गया, अब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन में केवल पार्टिसिपेट कौन करेगा, बीच वाले। चलिए अब मान लो प्री रिप्रोडक्टिव जो है किसी गांव में, प्री रिप्रोडक्टिव वाले 100 लोग, रिप्रोडक्टिव वाले 80 लोग हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले 60 लोग हैं। चलिए ध्यान सुनना, आपको केवल देखना इसमें बच्चा कौन पैदा कर सकता है, ऑफ स्प्रिंग कौन बना सकता है, नए नंबर कौन ऐड कर सकता है, बोलो कौन, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सर रिप्रोडक्टिव, ठीक है, कितने नंबर, 80। आपको फ्यूचर देखना है, इस गांव में गए 100 लोग बच्चे हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, 60 लोग बूढ़े हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट, 80 लोग रिप्रोडक्टिव एज में, केवल 80 लोग ही नए बच्चे पैदा कर सकते हैं, नया पॉपुलेशन ऐड कर सकते। अब मुझे बताना ध्यान से, फ्यूचर को देखिए, फ्यूचर में यानी 5 साल 10 साल के बाद सारे प्री रिप्रोडक्टिव किसमें चेंज हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव में, और रिप्रोडक्टिव किसमें, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो फ्यूचर में यहां रिप्रोडक्टिव में कितने लोग आ जाएंगे, 100 लोग। मान लो पहले 80 लोग थे, हर पर्सन एक बच्चा बना सकता, तो नए बच्चे कितने बन गए, 80। फ्यूचर में सारे प्री रिप्रोडक्टिव किसमें कन्वर्ट होंगे, रिप्रोडक्टिव में, तो फ्यूचर में 80 नहीं अब 100 लोग हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव में। तो फ्यूचर में रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए इसे कहेंगे एक्सपेंडिंग। क्या कहेंगे, एक्सपेंडिंग, समझ में आया, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर का सोचना है। तो फ्यूचर में प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव में चेंज होंगे, पहले थे 100 के 100 सारे कहां कन्वर्ट हो गए, रिप्रोडक्टिव में। तो जाहिर से आता है आज की कंपैरिजन में फ्यूचर में इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव चेंज हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव वाला का नंबर बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। चलो सेकेंड, अब बताओ प्री रिप्रोडक्टिव में 100 लोग, रिप्रोडक्टिव में 100 लोग और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में 60 लोग, बताओ। अब समझ में आया, बच्चे कितने पैदा कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव में कितने, 100, प्री रिप्रोडक्टिव में 100, फ्यूचर में कोई बदलाव आएगा नहीं, जितने प्री रिप्रोडक्टिव में सारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा, हो गए स्टेबल, स्टेबल हो गए। चलिए तीसरा बताइए, अब देखिए प्री रिप्रोडक्टिव है कितने, 80, रिप्रोडक्टिव है 100, पोस्ट रिप्रोडक्टिव 60। चलो बोलो फटाफट, फ्यूचर में क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होंगे तो 80 ही तो होंगे ना, 80 बच्चा तो पैदा होगा, अभी 100 हो रहा है, फ्यूचर में 80 होने वाले, तो फ्यूचर में तो क्या होगा भाई, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा डिक्लाइन। आ गया इजी वर्ड में समझ में, यस सर, एकदम इजी है, बस ये याद रखना है बच्चा पैदा कौन करेगा, 14 साल से 60 साल वाले, ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव वाले, प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे उनमें तो आया ही नहीं अभी कुछ, रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, पोस्ट रिप्रोडक्टिव मेनोपॉज में चले गए, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, डन, बहुत आसान है। चलो और कुछ कर लोगे,
पढ़ लेना है, बाकी एनसीईआरटी में जो पढ़ लेना हम लोग करेंगे। मेरे में से अगले जो स्टार्ट करेंगे ना यही इकोलॉजी पूरा डिटेल से पढ़ा दूंगा, हो जाएगा ना। टर्म टू अब दे दो ये आराम से आज पढ़ करके दे देना पेपर। अगले बार हम लोग क्या करेंगे पूरा इकोलॉजी को डिटेल से करने वाले। चलो ठीक है, और बाकी कोई एक्स्ट्रा डाउट हुआ तो मुझसे पूछ लेना डायरेक्टली मैसेज करके ग्रुप में करके, मैं बता दूंगा। ठीक सर, और एक बार बायोटेक के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो सर, पढ़ लेंगे उन्हें भी। तो पढ़ो ना, मैंने सर लगभग लगभग सारा तो बता दिया है। हाँ अब मैं इंपॉर्टेंस भी क्या बताता है, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर याद रखिए, पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर दो तीन बार अच्छे से देख लेना, पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर नेमिंग अच्छे से कर लीजिएगा। बायोरिएक्टर लार्ज स्केल में ग्रो कराते हैं तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीसीआर के स्टेप, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन कराता है, अपने आप प्लांट पे कौन अटैक करके उसके अंदर डीएनए इंसर्ट कर देता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस याद कीजिए। फिर ट्रांसफॉर्मेशन कराने के कौन कौन से टेक्निक है, हीट एंड शॉक मेथड याद करो। फिर हम लोग ने क्या किया था भाई, बायोलिस्टिक जीन गन, गन के हेल्प से भेजा था, या माइक्रो इंजेक्शन मेथड थे, कई सारे मेथड थे वो याद रखना है। और फिर वेक्टर होने के क्या क्या रूल होने चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर कोई बनेगा जो मेरा डीएनए कहीं ले जाएगा बैक्टीरिया में, वहां उसका नंबर बढ़ाएगा, तो उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला होना चाहिए उसमें अपना ओआरआई साइट होना चाहिए, तो आपको रिप्लीकेट कर सके, उसके अंदर में रिस्ट्रिक्शन साइट हो सके जिसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से कट किया जा सके, और तीसरा उसके अंदर होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर, वो सिलेक्ट करे कि हमारा जीन वहां ऐड हुआ या नहीं हुआ, सिलेक्टेबल मार्कर है, तो ये तीन फीचर होने चाहिए, इसे कर लेना। ठीक है, और दूसरा वाले चैप्टर से बीटी वाला पार्ट अच्छे से करके जाना। इसके अलावा जीन थेरेपी बता रहा, आरएनए इंटरफेरेंस बता रखा है, फिर बाकी एलाइजा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, कर लोगे। फिर बायो पेटेंट, बायो पायरेसी कल ही बताया था, आसान से। ठीक है सर, एक बार राइजोबियम बता देना। यस सर, राइजोबियम कहां से आ गया तुम्हारा, राइजोबियम यहां कहां से आ गया? नहीं सर, वो तो चैप्टर 10 में है ना राइजोबियम। हाँ तो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो दाल बनाने वाली प्लांट है पल्सेस लेग्यूम प्लांट, उनके अंदर राइजोबियम एंटर कर जाएगा और वो N2 को पकड़ करके अमोनिया बनाएगा और प्लांट को देगा, तो प्लांट के अंदर में नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा है। अगर हम प्लांट की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, हम फर्टिलाइजर डालते हैं केमिकल, और केमिकल की खेती करते हैं, केमिकल से हमें नुकसान पहुंचता है, तो क्यों ना हम केमिकल ना डाल करके वहां पर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी डाले, बैक्टीरिया डाले जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करे और मिट्टी के अंदर में नाइट्रोजन डाल दे, तो जिससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है बढ़ेगी, तो प्लांट का पैदावार भी तो बढ़ेगा, तो ऐसे हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं राइजोबियम। एलियन स्पीसीज मतलब बाहरी, इंडिया में अरे देर देखो, गंगा में 10 तरह की मछलियां, हमने लालच में अफ्रीका से कोई मछली लेते आए क्योंकि वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, उसे हम पकड़ेंगे, उसको बेचेंगे, ज्यादा फायदा कमाएंगे, बहुत तेजी से वो रिप्रोड्यूस करता है, तो हमने लालच में अफ्रीका से मछली को गंगा में डाल दिया। अब वो इतना फास्ट है, वो कॉम्पिटिशन में सुपीरियर है, और तुमने क्या पढ़ा है जब कॉम्पिटिशन होता है सुपीरियर और इनफीरियर के बीच, तो सुपीरियर वाले क्या करते हैं, इंपीरियर को एक्सटिंक्ट कर देता है, खत्म कर देता है, याद करो गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, खत्म कर देगा। तो अफ्रीका वाले स्पीसीज इतना स्ट्रॉन्ग थे कि सारे फूड जो थे ना, मछली जिसे खाती है, न्यूट्रेंट, सारे न्यूट्रेंट को ले लिया, तो यहां वाले स्पीसीज उस कॉम्पिटिशन में अपने आप को क्या करेंगे, हार जाएंगे, तो धीरे धीरे यहाँ के स्पीसीज का लॉस हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो डायवर्सिटी लॉस होता है ना, हम कोई बाहरी स्पीसीज को यहाँ लाके छोड़ देते, जैसे वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, अंग्रेजों ने खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ लाया और धीरे धीरे यहाँ के पूरे पानी में फैल गए, सारे यहाँ के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया, अंदर में ऑक्सीजन की कमी कर दी, मरने लगे। तो हमने लाया था दूसरी जगह से स्पीसीज, इंडिया का था नहीं था, हमने बाहर से लाया, एग्जॉटिक था, धीरे धीरे यहाँ के स्पीसीज को वो खत्म कर दी, इसलिए डायवर्सिटी लॉस होने का एक और रीजन है
इन्वेजन, इन्वेजन मतलब लाना, या तो नेचुरली किसी तरह से आ जाए या तो हम लेते हैं ना, किसी तरह से इन्वेड करा दिया, इन्वेजन करा दिया, जिससे यहाँ के अपने स्पीसीज इंडियन खत्म हो गए। चलो और बोलो। और सर एक पैराग्राफ है जिसमें न्यूरोपॉलीहेड्रोन वायरस, सर वो वाला भी बता दीजिए। कौन सा? अच्छा न्यूक्लियोहेड्रोपॉली, ठीक है। यस सर। वो वायरस देखो हमें क्या करना है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं ठीक है। तो हमें कोई इंसेक्ट्स को मारना है, इंसेक्ट्स को मारना है ना, हमारे फसल पे वो आते हैं, हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते, तो हम कैसे उसे बचाएं, इंसेक्ट्स को कैसे बचाएं? तो इंसेक्ट्स को बचाने के लिए हम वायरस का छिड़काव करते हैं। ये वायरस क्या करेंगे, इंसेक्ट्स पे अटैक करेंगे, इंसेक्ट्स को मार देंगे। तो हमने केमिकल के हेल्प से इंसेक्ट्स को नहीं मारा, हमने क्या किया, वायरस डाला, बैक्टीरिया डाले। अब वायरस या बैक्टीरिया क्या करेंगे, इंसेक्ट्स पे अटैक करेंगे और इंसेक्ट्स को खराब कर देंगे, इंसेक्ट को मार देंगे। अगर इंसेक्ट्स मर गया तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये जो वायरस है ना उस फैमिली से बिलोंग करता है, उस ग्रुप से बिलोंग करता है, न्यूक्लियोहेड्रो वायरस। आ गई बात समझ में? इसी को कहते हैं बायोपेस्टिसाइड। चलो ठीक है, अब जूलॉजी की क्लास होगी, आप लोग कीजिए, उसके बाद में हम लोग फिर से मिलते हैं। चलो करा दूंगा सारा इकोलॉजी करा दूंगा, तुम लोगों का तो हालत खराब है, फिर भी आज अच्छे से पढ़ लो, आज पढ़ लो, आराम से टेस्ट दो, उसके बाद हम लोग डिटेल से करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।